गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर ईवीएस क्लास फॉर क्लास फोर्थ. ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओके, जिसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, रिलेशनशिप्स. ओके, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 5. सो ओपन पेज नंबर 5 एंड हेयर इज योर पेज नंबर 5 एंड योर चैप्टर नंबर 1, रिलेशनशिप्स. ओके, सो आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करेंगे. रिलेशनशिप्स मीन्स रिश्ते. ओके, सो फर्स्ट क्या है, फैमिली मीन्स परिवार. ए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टूगेदर इन अ हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर. एक परिवार उन लोगों का क्या है, एक समूह है जो एक घर में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं. ए फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, ज्वाइंट और न्यूक्लियर. एक परिवार कैसा हो सकता है, बड़ा या छोटा, संयुक्त परिवार या न्यूक्लियर परिवार मींस सिंगल, ज्वाइंट या सिंगल. इन अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टूगेदर. ओके, इसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चों को केवल एक सेट के साथ रहते हैं. इन अ ज्वाइंट फैमिली, और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टूगेदर. इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं. द फैमिली मेंबर्स कैन बी रिलेटेड टू इच अदर इन मेनी वे. परिवार के लोग एक दूसरे से कई तरह से जुड़े हो सकते हैं. सम वेज थ्रू विच द मेंबर्स इन अ फैमिली कैन बी रिलेटेड टू आर सॉरी रिलेटेड आर एज फॉलोज. कुछ तरीके जिनके माध्यम से सदस्य एक परिवार में संबंधित हो सकते हैं जो इस प्रकार है. फर्स्ट क्या है, मैरिज. ए रिलेशनशिप बिटवीन टू फैमिलीज इज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द मैरिज ऑफ अ मैन विथ अ वुमन. एक महिला के साथ एक पुरुष की शादी के बाद दो परिवारों के बीच में क्या होता है, एक संबंध स्थापित होता है. व्हेन अ मैन एंड अ वुमन गेट मैरिड टू ईच अदर दे कम टूगेदर टू फॉर्म अ न्यू फैमिली. ओके, जब एक पुरुष और एक महिला की शादी दूसरे से होती है तो वे एक नए परिवार का निर्माण करने के लिए साथ आते हैं. वे एक दूसरे से पति पत्नी के रूप में संबंधित होते हैं. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ. द चिल्ड्रेन बॉर्न आफ्टर देयर मैरिज फॉर्म अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली. उनकी शादी के बाद बच्चे उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं. रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर साइड इंक्लूड. पिता के साइड से जो रिश्तेदार शामिल है कौन है, पैटर्नल ग्रैंडफादर जो क्या है, फादर्स के फादर है, पैतृक दादा जो आपके पापा के पापा होते हैं, पैटर्नल ग्रैंड मदर जो फादर्स मदर होते हैं, अंकल जो फादर्स ब्रदर होते हैं, पैटर्नल आंटी जो फादर्स सिस्टर होते हैं, कजन्स अंकल्स और आंटी चिल्ड्रेन चचेरे भाई चाचा या चाची के बच्चे. ओके, रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर साइड इंक्लूड, जो आपके माता की ओर से रिलेटिव रिश्तेदार शामिल होते हैं, कौन कौन से लोग हैं, मैटर्नल ग्रैंड मदर मदर्स फादर, जो आपकी माँ के पिता हैं वो क्या है, मैटर्नल ग्रैंड फादर जो आपके नाना होते हैं, मैटर्नल ग्रैंड मदर जो मदर्स के मदर है वो क्या है, नानी है, मैटर्नल अंकल जो मदर्स ब्रदर है मामा है, मैटर्नल आंटी जो मदर्स सिस्टर है जो आपकी माँ के बहन जो आपकी मौसी होती हैं, कजन्स अंकल्स और आंटीज चिल्ड्रेन चचेरे भाई बहन जो मामा मामी के भी
बच्चे होंगे, मौसी के बच्चे, चाचा चाची की लड़की, सब क्या होते हैं? कजन्स होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, जो नवजात शिशु होते हैं, ए न्यू बॉर्न बेबी एड्स टू द साइज ऑफ अ फैमिली। एक नए बच्चे जब जन्म लेते हैं, एक परिवार के आकार में उनको जोड़ा जाता है। ही सी इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। वे क्या होते हैं? सभी परिवार के सदस्यों के लिए एक खुशी का स्रोत है। ए न्यू बॉर्न बेबी शुड बी वेलकम विथ ओपन आर्म्स वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक नए जन्मे बच्चे का खुले हाथों से स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की। When a child is born, he should become a part of an extended family। और जब बच्चा पैदा होता है तो वह एक विस्तारित परिवार का हिस्सा बन जाता है। An extended family includes relatives from both the father's side as well as the mother's side। एक विस्तारित जो परिवार में पिता के साथ साथ माता के पक्ष दोनों के रिश्तेदार शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है? मेनी टाइम्स पीपल डू नॉट हैव देयर ओन चिल्ड्रेन। व्हेन समवन ब्रिंग्स अप अ चाइल्ड हु इज नॉट बोर्न टू देम, इट इज कॉल्ड एडॉप्शन। कई बार लोगों को अपने बच्चे नहीं होते हैं। जब कोई बच्चा पैदा करता है तो जो उनके लिए पैदा नहीं होता है तो इसे गोद लेना कहा जाता है। जो लोग मतलब जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं वो क्या कहलाता है? एडॉप्शन कहलाता है। द चाइल्ड हु इज केयर्ड फॉर इज कॉल्ड द एडॉप्टेड चाइल्ड। जिस बच्चे की देखभाल की जाती है उसे गोद लिया बच्चा कहा जाता है। द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द एडॉप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। गोद लिए बच्चे की देखभाल करने वाले माता पिता को उस बच्चे के पालक माता पिता कहा जाता है। एडॉप्शन इज अ काइंड डीड। गोद लेना क्या है? एक दयालु काम है। चिल्ड्रेन हु लूज देयर पेरेंट्स इन एक्सीडेंट्स और नेचुरल कैलेमिटीज आर ब्रॉट टू एन ऑर्फेनेज। जो बच्चे दुर्घटनाओं में या अपने माता पिता को खो देते हैं या कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है उसमें अपने पेरेंट्स को खो देते हैं वो क्या है? एक अनाथालय में उनको लाया जाता है। अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हु हैव लॉस्ट योर चाइल्ड और आर चाइल्डलेस कम टू एन ऑर्फेनेज टू अडॉप्ट चाइल्ड। दुर्भाग्यशाली माता पिता जो अपने बच्चों को खो चुके हैं यानी संतान एक अनाथालय में आते हैं और बच्चे को गोद लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अ फैमिली। एक परिवार का क्या महत्व है देखते हैं। ए फैमिली गिव्स अस लव केयर एंड सपोर्ट। परिवार से क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में? एक फैमिली जो हमें क्या देती है? प्यार, देखभाल और समर्थन देती है, समर्थन करती है। आवर फर्स्ट लर्निंग बिगिंस विथ आवर फैमिली। हमारी पहली सीख कहाँ से शुरू होती है? हमारे परिवार से। भी सेलिब्रेट गुड टाइम्स एंड फेस्टिवल टुगेदर। हम अच्छे समय और त्योहार को एक साथ मनाते हैं। आवर फैमिली ऑलवेज स्टैंड्स बाय अस एंड हेल्प्स अस इन टाइम ऑफ नीड। हमारा परिवार हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है और जरूरत के समय हमारी मदद करता है। विदाउट फैमिली हमारा लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके मुश्किल हो जाएंगे हमारे लाइफ। नेक्स्ट क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग, साझा करना और देखभाल करना। वेदर द फैमिलीज आर न्यूक्लियर और ज्वाइंट दे ऑल लव ईच अदर एंड हेल्प वन अनदर व्हेन रिक्वायर्ड। परिवार चाहे न्यूक्लियर हो या ज्वाइंट हो वे सभी क्या करते हैं? प्यार करते हैं एक दूसरे को और आवश्यकता होने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। फैमिलीज यूजुअली मीट ऑन मेनी ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स parties, weddings and sometimes just for fun। family में आमतौर पे हम कई मौके पर मिलते हैं जैसे festival, त्योहार में, party, शादी और
कभी कभी सिर्फ फन मस्ती करने के लिए हम एक दूसरे से मिलते हैं. दे गेट टूगेदर एंड गो फॉर पिकनिक्स एंड हॉलीडेज टू, और पिकनिक और छुट्टियों पर भी जाते हैं. दे इंजॉय देमसेल्व्स एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर्स फीलिंग, वे खुद का आनंद लेते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं. ओके आप लोग भी क्या करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के साथ, आप लोग भी मस्ती करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने क्या फीलिंग्स या कोई भी चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं. ओके नेक्स्ट क्या है, फैमिलीज नॉट ओनली हैव फन टुगेदर बट दे ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर. परिवार न केवल एक साथ मजे करते हैं बल्कि वे एक साथ समस्याओं का समाधान भी करते हैं. सम ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली गाइड द यंगर वंस, परिवार के कुछ पुराने सदस्य जो छोटे लोगों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं. समटाइम्स इफ समवन इज सिक इन वन फैमिली रिलेटिव्स मीट कम फॉरवर्ड टू असिस्ट दैट फैमिली. कभी कभी यदि कोई एक परिवार में बीमार है तो रिश्तेदार उस परिवार की सहायता के लिए आगे आ सकते हैं. सो नॉट ओनली डू मेंबर ऑफ वन फैमिली हेल्प ईच अदर बट रिलेटिव्स फ्रॉम अदर फैमिलीज आल्सो हेल्प देम. नहीं न केवल एक परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं बल्कि अन्य परिवार के रिश्तेदार भी उनकी मदद करते हैं. दिस सपोर्ट एंड कंपैशन टुवर्ड्स ईच अदर मेक हैप्पी फैमिलीज. एक दूसरे के प्रति यह समर्थन और करुणा खुशहाल क्या है, परिवार बनाते हैं. ओके एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समर्थन करना, इससे क्या होता है, इससे परिवार खुशहाल रहता है. ओके सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 रिलेशनशिप्स. ओके जिसमें हमने रिश्तों के बारे में स्टडी किया. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. सो इसे आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपको PDF व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा. ओके और आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है. थैंक यू.